हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम की, जो कि है आर एस खुरमी एस चांद पब्लिकेशन की जो बुक है। इस सीरीज के अंदर मैं जितने भी हर चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल या फिर आपके एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन होंगे उनको आपके सामने सॉल्व करूंगा, जिससे आपको कभी भी आप जब बुक रेफर कर रहे हो तो आपको उस एग्जाम्पल की सॉल्यूशन को देखना हो तो फटाफट से देख सको। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 2.1, सिंपल स्ट्रेस का क्वेश्चन है। स्टील रॉड 1 मीटर लॉन्ग एंड 20 mm एंड इंटू 20 mm इन क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 40 kN। डिटरमाइन द एलोंगेशन ऑफ रॉड इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रॉड इज 200 GPa। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मुझे 1 मीटर लेंथ दिया है, उसका क्रॉस सेक्शन दे दिया है, लोड दे दिया है और साथ के साथ उसका ई दे दिया, तो मुझे उसने चेंज इन लेंथ पूछी है। तो आप सभी को पता कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल पी एल ओवर ए ई। पी की वैल्यू उसने मुझे दे रखी है 40 kN, तो मुझे उसको न्यूटन में लगा दिया। मैंने लेंथ दे रखी है 1 मीटर, तो उसको मैंने एमएम में लगा दिया 1000। उसके बाद उसने मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, तो 20 × 20 यानी कि 400 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको 20 × 20 लिख रखा है। साथ के साथ मुझे उसने देखा 200 GPa, तो ये हो गया 200 × 10^3। यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यू जस्ट गेट द आंसर इज़ अ 0.5 mm। तो कुछ बुक्स के अंदर मिस्टेक्स होती हैं, तो इसकी वजह से आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हो। तो दिस इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिंपल स्ट्रेस का एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या है। तो डायरेक्टली डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला पी एल ओवर ए ही होता है, सारी चीज़ें गिवन है, तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।